नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएससी ओनली में। दोस्तों, आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे 22 जून से लगाकर आज तक के जो भी डेली करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे वह संबंधित हैं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर से। तो चेन्नई के जो आर प्रज्ञानंदा हैं वो 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में उन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल की और इस तरह वो बने हैं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। लेकिन वो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर नहीं हैं, वो विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, चेन्नई के आर प्रज्ञानंदा। जबकि जो यूक्रेन के सर्जेई करजकिन हैं वो हैं विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। दोस्तों, अब आपको ये बताना है कि जो ग्रैंड मास्टर हैं वो क्या होता है। एक्चुअली मुझे शतरंज का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो ग्रैंड मास्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना, अगर आपको पता हो और शतरंज में इंटरेस्ट हो। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। ये संबंधित है स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2018 से। तो इसमें जो राज्यों की बात करें तो 31 राज्यों में राजस्थान को जो स्थान मिला है वो 8वां स्थान मिला है। इन 31 राज्यों में दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। राजस्थान को 8वां स्थान मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में। और राजस्थान के जो दो जिले हैं जयपुर और उदयपुर, वो टॉप 100 में अपना स्थान बनाया है, जिसमें जयपुर को मिली है सर्वाधिक राजस्थान में रैंकिंग 39वीं, और जयपुर ने ये उपलब्धि हासिल की है 2971 अंकों के साथ, जबकि उदयपुर को मिली है 85वीं रैंकिंग। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जबकि राज्यों में टॉप किया है झारखंड ने, और शहरों में टॉप किया है, हमने पता ही आप सबको, इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़ ने। इंदौर का पहला स्थान, भोपाल का दूसरा और चंडीगढ़ का तीसरा स्थान। इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है, मैं लिखना भूल गया, वो शहरी आवासन जो मंत्रालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंटेंट है हमारे एग्जाम के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज पर आते हैं। ये संबंधित हैं एशिया के पहले एक्स्ट्रा डेंसिफिकेशन प्लांट से। तो जो एशिया का पहला एक्स्ट्रा डेंसिफिकेशन प्लांट है वो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थापित किया गया। वहाँ की एक डेयरी है गंगमूल डेयरी, तो वहाँ ये स्थापित क्या गया है, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो डेंसिफिकेशन प्लांट होता है वो पशु आहार उत्पादन जो केंद्र है उससे संबंधित है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। ये समझते हैं काऊ सेस से। राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया है कि जो शराब है उस पर 20% जो है वो काऊ सेस लगाया जाएगा। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं इकोनॉमी के लिहाज से कि जो ये सेस होता है, और एक शब्द आपने और सुना होगा सरचार्ज, ये सेस और सरचार्ज क्या होता है। जो सेस होता है और जो सरचार्ज होता है दोनों टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनेगी उस पर एक जो टैक्स लगेगा वो होगा टैक्स ऑन टैक्स। यानी कि अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है और उस पर मुझे 20,000 रुपये टैक्स देना है, तो 20,000 पर जो सेस बनेगा वो 20,000 रुपये बनेगा, न कि 1 लाख रुपये पर। खैर, अब ये देख लेते हैं कि जो सेस है और जो सरचार्ज है इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो सेस होता है वो लगाया जाता है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए लगाया जाता है, और ये जो जनरली है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सों पर लगाया जा सकता है। जबकि जो सरचार्ज होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। विशेष उद्देश्य का मतलब होता है जो सेस लगता है स्पेशल पर्पज के लिए, यानी कि अगर आपने काउ सेस लगाया है तो उसका जो उससे जो टैक्स कलेक्शन होगा उसका उपयोग आप केवल और केवल गायों के संरक्षण के लिए ही कर पाएंगे। जबकि जो सरचार्ज है उसका मतलब जो टैक्स ऑन टैक्स तो होगा लेकिन उसका स्पेशल पर्पज टैक्स नहीं है, उससे जो भी राशि कलेक्ट होगी उसका उपयोग आप किसी भी फंड में कर सकते हैं। जबकि सेस से जो राशि कलेक्ट होती है उसका उपयोग आप एक स्पेशल फंड में ही कर सकते हैं जिसके लिए वो लगाया जाता है। जैसे कृषि उपकरण लगता है या कृषि जो सेस लगता है उसका उपयोग आप एग्रीकल्चर के लिए ही करेंगे, और जो सरचार्ज लगता है वो जनरली डायरेक्ट टैक्सेस पे लगता है। खैर, अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज स्लाइड पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर कृष्णा जाखड़ से संबंधित ये न्यूज है। डॉक्टर कृष्णा जाखड़ चुरू की रहने वाली हैं, चुरू के साहित्यकार हैं, और उन्हें जो राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार है 2017 उससे सम्मानित किया है केंद्रीय साहित्य अकादमी ने, और उन्हें सम्मान मिला है उनकी जो रचना है गाथा तिस्ता पार की, उसके लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें हमारे दिमाग में ये कंटेंट होना चाहिए। अगली जो न्यूज है वो सीएस सांकला से संबंधित है। जो सीएस सांकला हैं उन्हें राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2018 का। राजस्थानी भाषा के लिए उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सीएस सांकला को, जबकि डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को जो मिला है वो राजस्थानी अनुवाद जो पुरस्कार मिला है 2017 का।
दोस्तों आज जो दिनांक है 25 जून और आज ही के दिन लगातार सॉरी बात कीजिएगा भारत में आपातकाल। और ये जो आपातकाल लगाया गया था ये खास था क्योंकि ये लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। थोड़ा सा देख लेते हैं अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसके बारे में। अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है वो मूल संविधान में तीन आधारों पर लगाया जाता था। एक तो लगाया जाता था युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और आंतरिक अशांति की स्थिति में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो कह सकते हैं आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर जो शब्द शामिल किया गया है वो है सशस्त्र विद्रोह। यानी कि अब तीन आधार पर लगाया जा सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और अनुच्छेद 352 के तहत भारत में अब तक तीन बार आपातकाल लग चुका है। पहला लगाया गया था 1962 भारत चाइना युद्ध के समय, दूसरा लगाया गया था 1971 के युद्ध के समय भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, और तीसरा लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर। अब वो शब्द को हटा दिया गया है। अनुच्छेद जो 360 है उसके तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है वो अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगाई गई है। अनुच्छेद 356 तो आपको पता ही है जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगाया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज़ संबंधित है राजस्थान में हाल ही में जो एक एग्जाम पूछा जा सकता है इस कंटेंट से कि राजस्थान में हाल ही में किस जिले में जल प्रयोगशाला की स्थापना की गई या उसका लोकार्पण किया गया। तो राजस्थान के राजसमंद जिले में एक जल प्रयोगशाला की स्थापना की गई हाल ही में। और इस जल जो प्रयोगशाला के जरिए जो गुणवत्ता युक्त पेयजल है उसकी जांच की जा सकेगी, गुणवत्ता युक्त पेयजल के लिए पानी की जांच की जा सकेगी। और ये जांच की जाएगी क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से। थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। जो वाटर लेबोरेटरी स्थापित की गई है राजस्थान के राजसमंद में। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। ये संबंधित हैं सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार मिल गया है। और इस तरह से जो सऊदी अरब है वो विश्व का अंतिम देश बन गया है जहाँ पर महिलाओं को भी ड्राइविंग का अधिकार है। यानी कि अब पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार प्राप्त हो गया है। अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। ये संबंधित हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संबंध है वो भारतीय जनसंघ जो राजनीतिक दल था उससे संबंधित हैं। उसके वो संस्थापक थे। अभी हाल ही में उनकी जो कह सकते हैं जन्मदिन मनाया गया, उनका जन्मतिथि सेलिब्रेट की गई। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कल जो 45वीं मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया उसमें भी उनका जिक्र था। चूंकि राजनीतिक दल हमारे टॉपिक में शामिल है, सिलेबस में शामिल है, तो उसमें ऐसा मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है जिसमें एक तरफ लीडर का नाम होता है दूसरी तरफ उसकी पार्टी का नाम होता है। अभी जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था कि जो पहले लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ सवाल था जिसमें कि दूसरे सबसे बड़ी राजनीतिक दल कौन सा उभरा था। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए। राजनीतिक दल के बारे में अप्लाइड क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं जो करंट से ज़्यादा रिलेटिव होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज स्लाइड पर आते हैं। और ये समझते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2018 से जो कि रशिया में आयोजित किया जा रहा है। तो अभी तक जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें दो हैट्रिक हो चुकी हैं। पहली हैट्रिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की थी और दूसरी जो हैट्रिक की है वो इंग्लैंड के जो कप्तान है हैरी केन उन्होंने की है। पनामा के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक की है। इसके अलावा एक और फैक्ट है, हालांकि ये ओल्ड फैक्ट है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। जो जापान और साउथ कोरिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2002 में फीफा वर्ल्ड कप, वो पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जो किसी एशियाई कंट्री में हुआ था। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप 2018 के बारे में तो ये दो फैक्ट ही हमारे अभी इंपॉर्टेंट हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज पर आते हैं। ये संबंधित हैं सरदार सिंह से। जो सरदारा सिंह है वो भारत की हॉकी प्लेयर हैं और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है हॉकी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हॉलैंड के या नीदरलैंड के जो ब्रेडा में हो रही है वहाँ पर उन्होंने सरदार सिंह ने अपना 300वां मैच खेला। तो पूछा जा सकता है हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना 300वां मैच खेला, किस भारतीय खिलाड़ी ने, तो सरदारा सिंह ने, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने। सुनील छेत्री है उन्होंने 100वां मैच खेला अभी। और जो जुलन गोस्वामी है उन्होंने 200 वनडे विकेट पूरे किए अपने कैरियर के, इसके लिए उन पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ऐसा फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में तो इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। खैर अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। ये संबंधित हैं अखिल भारतीय हैंडबॉल प्रतियोगिता से जो कि आयोजित किया जाएगा अगस्त में राजस्थान के बूंदी में। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अभी और ये आयोजित किया जाएगा अगस्त महीने में। अभी जो बूंदी शहर का जिक्र आ ही गया है तो बूंदी ने अभी अपना इस वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाया गया बूंदी का, और वो बूंदी का 777वां स्थापना दिवस था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़्यादा संभावना नहीं है फिर भी कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर ने अपना 777वां स्थापना दिवस मनाया है।
तो वो है बूंदी। खैर अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित है नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 52वें स्कॉच समिट से। तो वहाँ पर राजस्थान की जो मुख्यमंत्री महोदया है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनको ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी प्रदान किया गया। राजस्थान ई गवर्नेंस में काफ़ी काम कर रहा है और अदर स्टेट की तुलना में हम इस क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं। राजस्थान में कहीं डीजी फेस्ट का भी आयोजन किया गया, हैकोथन का आयोजित किया गया। तो आपको ये बताना कि राजस्थान में अब तक कितने डीजी फेस्ट का आयोजन किया जा चुका है, पहली डीजी फेस्ट कहाँ आयोजित की गई राजस्थान के किस जिले में, कब आयोजित की गई, द्वितीय डीजी फेस्ट राजस्थान की किस जिले में आयोजित की गई, कहाँ कब आयोजित की गई, ये भी बताना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इन पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज स्लाइड पर आते हैं और ये संबंधित हैं दंपत्ति मोबिलाइजेशन पखवाड़ा से। दोस्तों राजस्थान या भारत में जो दंपत्ति मोबिलाइजेशन पखवाड़ा है वो सेलिब्रेट किया जाएगा 27 जून 2018 से 10 जुलाई 2018 के मध्य। और इस पखवाड़े के दौरान जितने भी कपल हैं उनको परिवार नियोजन के बारे में जो सरकार के द्वारा जागरूक किया जाएगा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। खैर अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि दंपति जैसे मोबिलाइजेशन पखवाड़ा है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध परिवार नियोजन से है। जैसे कि अभी उद्योग निरीक्षक का एक एग्जाम हुआ था उसमें शायद जननी शिशु योजना से संबंधित ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था। खैर अगली न्यूज पर आते हैं, ये संबंधित हैं एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो जो अरिजीत बसु हैं उनको एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी मतलब कह सकते हैं अपॉइंट किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पर, ये संबंधित हैं परिवर्तन योजना से। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिवर्तन योजना का संबंध किससे है, तो जो परिवर्तन योजना का संबंध है वो बिजली क्षेत्र के पुनरुत्थान से है और ये जो योजना है वो केंद्र सरकार का कह सकते हैं केंद्र सरकार की योजना है। अब दोस्तों अंतिम न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो संबंधित हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है उससे संबंधित हैं। तो जो इवान ड्यूक हैं वो बने हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति, इसके अलावा जो डेनी फोरे हैं वो बने हैं सेशेल्स के राष्ट्रपति। और जो डेनी फोरे हैं वो इसलिए भी सुर्खियों में हैं कि उन्होंने एक द्वीप है असम्पशन द्वीप, उस असम्पशन द्वीप पर असम्पशन जो द्वीप है उस पर जो भारत की मदद से जो सेशेल्स हैं वो एक सैन्य हवाई अड्डा बना रहा था, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को उन्होंने रद्द कर दिया डेनी फोरे ने जो कि सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं, जबकि कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं इवान ड्यूक। दोस्तों इसी के साथ जो ये डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस है और आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।